नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग और एक बार फिर से स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल जैविक वाटिका पर। और आज का वीडियो हमारा गुलदावरी के ऊपर है कि जो फूल आप देख रहे होंगे सूख चुके हैं, क्योंकि अर्ली वैरायटी हमने लगाई थी और इसको हमने दिवाली से पहले लगा लिया था। बड़े बड़े पौधे मैं नर्सरी से लेकर आया था, मैंने नर्सरी का टूर भी आपको दिखाया था। वो उसके बाद ये लगभग 2-2.5 महीने हो गए, तो ये इस तरह से इन्होंने फूल खिलने के बाद लगभग 1 महीने तक हमारे गार्डन की इन फूलों ने शोभा बढ़ाई और अब ये सूख गए हैं। तो फूल आप देख भी रहे होंगे किस तरह से सूख चुके हैं। इसी के ऊपर मेरा वीडियो है ये आज का, कि अगर आपके गुलदावरी के फूल सूख जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आज आपकी बात कर रहा हूँ गुलदावरी की। ये जो गुलदावरी के पौधे आप देख रहे हैं, इनके फूल 1-1.5 महीना तक लगभग खिले रहते हैं और अच्छी तरह से ये मेंटेन रहते हैं आपके गार्डन में। लेकिन 1 महीने के बाद ये फूल कुछ इस तरह से सूखने लगते हैं। तो अब क्या है कि इस पे 1 साल में एक बार फूल आएगा, तो ये फूल सूख गया, अब हम अपने पौधों को क्या करें। हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, एक तो हम अपने पौधों को उखाड़ फेंकें और अगले साल फिर गार्डन में अपने नर्सरी से ला के आप पौधे लगा लीजिए। दूसरा ये कि हम इन पौधों को एक मदर प्लांट के रूप में अपने पास सजा के रखें और अगले साल के लिए तैयार फिर से दोबारा करें, ताकि अपने गार्डन में आप अच्छे से अर्ली वैरायटी अपने पौधे आप गार्डन में लगा सकें और बहुत सारे फूल आप पा सकें। देखिए, आप सब जानते हैं कि 20-30 रुपये में, 40 रुपये में, 50 रुपये में आपको पौधा मिल जाता है, तो फिर इतनी मेहनत क्यों करनी कि 1 साल तक हम इस पौधे को संभाल कर रखें और इसकी केयर करते रहें। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जो कलर आप देख रहे हैं यहाँ पर, उनको पाने के लिए आपको नर्सरियों में जाना पड़ेगा। दूसरा, खिले हुए कलर फूल खिलने के बाद ही कलर का पता लगता है, तो खिले हुए पौधे जो कलियाँ खिल जाएंगी वही आप पौधे खरीद कर लाओगे तो ही आपको कलर का अंदाजा होगा। अब अगर कलर खिल गया, कलर खिलने के बाद जो उसकी रहता है 15-20 दिन तक का टाइम रहता है, तो 15-20 दिन के लिए आप अपने गार्डन में इन पौधों को लगाना अगर पसंद करते हैं तो फिर तो कोई बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में काफ़ी लंबे समय तक ये गुलदावरी के पौधे लगे रहें और इनके फूल ऐसे ही लंबे समय तक खिलते रहें और फूल का जो साइज है वो भी अच्छा रहे, तो आपको इनको स्टोर करना होगा एज ए मदर प्लांट, इनको अपने गार्डन में आपको रखना होगा। और आप जो मनचाहा कलर अपना रखना चाहते हैं, वो कलर आपके गार्डन में आपको आसानी से मिल जाएगा, कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ये देखिए, इस तरह से आप देख रहे होंगे, ये कुछ इस तरह के पैटर्न हैं। कुछ मेरे पास जितने भी ये पैटर्न हैं गुलदावरी के, सारे अलग अलग पैटर्न हैं और कुछ और पैटर्न 5-7 मैंने अलग से निकाल के रखे हुए अपने दूसरे गार्डन में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो ये सारे कलर मैंने इस साल मिल गए मुझे आसानी, तो मैंने अपने गार्डन में इनको एज ए मदर प्लांट लगा दिया है और अगले साल फिर मैं इनसे प्लांट बनाऊँगा और फिर अच्छे अच्छे पौधे मुझे मिल जाएंगे। एक बात तो हो गई मनचाहे पौधे मिलने की, मनचाहे कलर्स मिलने की, मनचाहे पैटर्न मिलने की। दूसरी बात हो गई कि हमने एक बार पैसा खर्च कर दिया है, अब हमको अच्छे पौधे पाने के लिए ज़्यादा जो पैसे हैं वो खर्च नहीं करने पड़ेंगे, थोड़ी सी देखभाल और आपको आपका मनचाहा कलर अच्छी तरह से मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि हमने करना क्या है। अब जब आपके जो फूल सूख जाते हैं, अगर पौधे इस तरह से कुछ, तो आपने इनको क्या करना है कि अगले साल के लिए मदर प्लांट के लिए आपको इनको रखना है। और अब क्या करेंगे कि जैसे फूल सूख गए तो इसकी हमने कटिंग करनी है, तो इस तरह से आपने थोड़ा सा ऊपर से ये साफ कटर से इनको प्रून कर देना है और
इस तरह से आपको ये सारी ब्रांचेस हटा देनी है। अब ये सारी ब्रांचेस हमने इसमें से लगभग हटा दी हैं। अब जितने भी आपके पास जो बचे हुए हैं, जो मैंने अभी कट किया है, इनको आपने अलग से रख लेना है। इस तरह से हमने जो सारे अपने गुलदावदी के पौधे हैं वो सारे प्रून कर दिए हैं और इनको इस तरह से कट कर दिया है। मेरे पास अभी दो पौधे ये बचे हुए हैं, दो तीन, इनको मैं अभी प्रून नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखिए ये इन पर अभी बर्ड्स आए हुए हैं। तो जो अगर बर्ड्स आपके पौधे पर अभी आई हुए हैं तो उनको आपने कटिंग नहीं करनी है उनकी, क्योंकि इन बर्ड्स से आपको एक बार और फूल लेना है और उसके बाद आप इनको कट कर सकते हैं। जो आपने अर्ली वैरायटी लगाई होगी जिसपे फूल अब से पहले आ चुका होगा, मतलब जिसपे दिसंबर में आपने पौधा लगाया, दिसंबर से पहले लगा लेते हैं अक्टूबर नवंबर में, तो ये जो मेरे अक्टूबर के पौधे हैं अक्टूबर में मैंने लगाए तो इन पर फूल पहले आ गए, तो पहले फूल इनके सूख जाएंगे। तो अगर आपने लेट लगाए हैं कुछ इस तरह से, आपने अगर लेट लगाए हैं, देखिए ये मैंने लेट लगाए थे तो इनके फ्लावरिंग अभी हस्तपुष्ट है। और भी मेरे कुछ पौधे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी मैंने लेट लगाए थे थोड़े से, तो इनके ये देखिए इन पर फ्लावरिंग अभी अच्छी तरह से हो रही है। और मैं क्यों बात कर रहा था कि आपने ये पौधे सेव करने हैं, ये देखिए इसका पैटर्न देखिए आप गुलदावदी का, ऐसा पैटर्न आपको अगले साल अगर नर्सरी में ढूंढते भी फिरेंगे तो नहीं मिल पाएगा आसानी से, क्योंकि पता ही नहीं चलता है फूल खिलने से पहले कि पैटर्न क्या रहेगा। और फूल खिलने के बाद इसकी जो लाइफ रहती है वो 15-20 दिन की रहती है, और 15-20 दिन के लिए आप अपने पौधे को गार्डन में क्या लगाएंगे। अब ये देखिए, ये भी अभी इस पर फ्लावरिंग है और बर्ड्स भी आई हुई हैं, तो इसको मैं अभी कटिंग नहीं करूँगा इसकी। इस तरह से देखिए अच्छे फ्लावर इस पर है, इस पर भी अभी बर्ड्स हैं, तो ये भी मैं कट नहीं करूँगा। तो ये पैटर्न दिखा रहे थे मैंने आपको, तो ये इतने अच्छे से पैटर्न है। तो आइए चलते हैं इधर, और जो आपने कट करने के बाद नीचे से जो फुटाव होगा ना वो कुछ इस तरह का होगा फुटाव। ये देखिए नीचे से नई नई ब्रांचेज इसमें निकलेंगी, नई नई शाखाएं इसमें आएंगी। ये देखिए ये कितनी सारी इसमें ब्रांचेज निकल गई हैं, और यहाँ से जब इसका फुटाव होगा क्षेत्र तो इसमें से बहुत सारी ब्रांचेज निकल गई, जिनके बाद आपको अगले साल जून में या जुलाई में इनको छोटे छोटे पौधे आप अलग कटिंग से भी लगा सकेंगे। उसका एक डिटेल वीडियो अलग से हम बनाएंगे, आपके दिखाएंगे फिर। तो अभी हमने ये इनको कट कर लिया है, और जो इनकी कटिंग है उनको आपने ऐसे फेंकना नहीं है, उनको अच्छे से डिस्पोज करना है, क्योंकि इनमें ना अभी एफिड्स लगे होते हैं। ये देखिए आप देख भी रहे होंगे, और ये एफिड्स जो है वो आपके गार्डन में फैल जाएंगे एफिड्स। तो इनको ऐसे नहीं आपको कहीं भी फेंकना है, इनको इकट्ठे करके या तो कहीं डिस्पोज करना है, या जो आप कंपोस्ट बनाते हैं उसमें कट करके इनको डालना है, और ऊपर से मिट्टी डाल देनी है। मैंने भी इनको इकट्ठा किया है इनका कंपोस्ट बनाने के लिए, एक अच्छी पत्तियों की खाद हमें इनसे मिल जाएगी। और अब बात करते हैं जो फुटाव आएगा उनको और ज़्यादा फुटाव लेने की हमने क्या करना है, लेकिन मैं उससे पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ। ये जो एफिड्स देख रहे हैं ना आप, ये देखिए इनका इलाज करना हमने बहुत ज़रूरी है। और एफिड्स के लिए आप कोई भी इंसेक्टिसाइड्स ले लीजिए, मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, या फिर अगर आप केमिकल नहीं यूज करना चाहते तो आप थोड़ा सा जो नीम ऑयल है 5 ml 1 लीटर में, और उसमें थोड़ा सा जो लिक्विड सोप आती है उसको डालकर भी स्प्रे कर सकते हैं। तो मेरे पास वही है तो मैं उसी का स्प्रे करूँगा, और मैं अभी मेरे पास है तो स्प्रे हम थोड़ा सा बाद में कर लेंगे, पहले इसमें थोड़ी खाद दे देते हैं ताकि इसमें जो फुटाव है ना वो और ज़्यादा आए और इसकी जो ब्रांचेज हैं और ज़्यादा निकल के आए। तो खाद जो देनी है हमने, कोई ज़्यादा कुछ खाद नहीं देनी, थोड़ी सिंपल सी खाद रहेगी, जो हमारा गाय की गोबर की पुरानी खाद है ना वही हम इसमें देंगे। और देने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका जो गमला है वो 10-12 इंच का है तो उसमें आपने दो होल कर लेने हैं इस तरह से,
और अगर आपका छोटा गमला है 8-10 इंच का तो उसमें एक ही होल में भी काम चल जाएगा। इस तरह से आपने ये मिट्टी को हटा देना है और इधर से थोड़ा हटा देंगे। ये देखिए, ये मैंने बहुत ही पुरानी, ये लगभग 2.5-3 साल पुरानी ये खाद है, इसको लिया है मैंने। और अब इसको क्या करना है, आपने इस तरह से जो ये गड्ढा बनाया है, इस गड्ढे में डालने के बाद आपने इस तरह से मिट्टी ऊपर से ढक देनी है। तो ऐसे ही इसमें भी डाल, तो इस तरह से ये हमने दोनों जो इनके गड्ढे किए थे ये बंद कर देने हैं होल को। तो इस तरह से हमारा जो दूसरा पौधा है उसमें भी यही खाद देनी है और ऊपर से मिट्टी इसके ऊपर ढक देनी है। अब इसमें क्या है, फुटाव जो है बहुत अच्छा आएगा और इस पर काफ़ी ग्रोथ निकल के आएंगे। तो ये काम तो दोस्तों हो गया खाद देने का, खाद हमने दे दी है इनमें। अब क्या करेंगे, जो हमारे जो मैंने ये एफिड्स आपको दिखाए थे, इनको बचाने के लिए आपने क्या करना है, इनके ऊपर इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना है, केमिकल ले लीजिए फिर, या केमिकल आप यूज़ नहीं करना चाहते तो नीम ऑयल का हर तीसरे दिन स्प्रे करना है इन पर। आधा लीटर में 5 ml आपने नीम ऑयल और थोड़ा सा जो लिक्विड सोप आती है वो डालकर मिलाकर, जो आपके पास स्प्रे होगा ना उसमें डाल लीजिए आप, और इस तरह से इन पर आपने छिड़काव करना है और लगातार छिड़काव करते रहना है जब तक ये आपके जो एफिड्स हैं, जब तक ये पौधे से हट ना जाए बिल्कुल भी। तो इस तरह से इनके ऊपर आपने छिड़काव करते रहना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी गुलदावरी को लेकर कि किस तरह से आप अगले साल के लिए अपने गुलदावरी को बचा कर रख सकते हैं और अपने मन चाहे जो कलर्स हैं इसमें वो आपको मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो? और हाँ, एक चीज़ और दूसरा, जो आपने ये कटिंग्स है अपनी, अगर आप इनको कहीं भी फेंकना चाहते हैं तो उससे पहले इनके ऊपर भी 2-4 बार स्प्रे ज़रूर कर दीजिए, अदरवाइज़ ये जो इनमें एफिड्स है वो आपके गार्डन को ख़राब कर सकते हैं। तो मैं तो इनका कंपोस्ट ही तैयार करूँगा, मेरे डबल बेनिफिट मुझे इनका मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा चैनल को, शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। तो अब ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नमस्कार।